अब गुरु पता नहीं मैं ही बार बार क्यों लेट हो जाता हूँ, कॉलेज में भी और यहाँ यूट्यूब पर भी। तुमने तो बहुत सारी आरत पे वीडियोस देख ही ली होगी, तो फिर सोच रहे हो कि फिर इसमें क्या होगा। तो चिंता ना करो, लेट है इसलिए थोड़ी सी अलग है वीडियो। तो हेलो, मैं हूँ साकेत और आप देख रहे हैं मूवी मोन्टाजेस। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने अब तक आरआर तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, पहले जाओ देखो फिर आओ यहाँ पे। अब मूवी की कहानी टेक प्लेस करती है हमारे दो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, एक है अलूरी सीताराम राजू और दूसरे हैं कोमरम भीम। अब वास्तव में तो दोनों फ्रीडम फाइटर्स असली जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन एसएस राजामौली के इस फिल्म में हम देखते हैं कि क्या होता अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले होते, और इस हिसाब से कहानी कंटिन्यू होती है। और गुरु यहीं से हमारा पहला सवाल आता है कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से। अब कहानी लिखा है विजेंद्र सर ने, तो इस पे तो कोई शक हो ही नहीं सकता है कि हाँ ये ओरिजिनल स्टोरी ना हो। मगर अगर तुम वही कॉन्सेप्ट की बात करो तो हॉलीवुड में भी इस कॉन्सेप्ट पे, यानी कि अल्टरनेट हिस्ट्री क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट पे पहले भी मूवीज बन चुकी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्विंटिन टैरेंटिनो की इनग्लोरियस बास्टर्ड, वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड, जैंगो अनचेंड को देख सकते हो। अब इन सब मूवीज के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी खींच जाएगी। तो गुरु एसएस राजामौली की इस अल्टरनेट हिस्ट्री में अगर मुझे किसी बात ने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया है तो ये किया है कि हम देखते हैं कि एसएस राजामौली के इस अल्टरनेट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स की ही बदली है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया क्या हो रहा है ये सब कुछ सेम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो कि जो वीर सावरकर ने 90s में फ्लैग बनाया था, यानी कि इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया था, वो इस मूवी में बहुत ही बड़े स्तर पे दिखाया गया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि राजामौली के अल्टरनेट हिस्ट्री में भी इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री टेक प्लेस करती है। अब गुरु तुमने आरआर देखी है तो तुम्हें ये तो पता होगा ही कि अलूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर लॉर्ड राम से इंस्पायर्ड है, वहीं कोमरम भीम का कैरेक्टर पांडव पुत्र भीम से इंस्पायर्ड है। अब बहुत लोगों के हिसाब से मूवी के आखिरी में लोगों को ये बात पता चलता है, लेकिन अगर तुम दोनों कैरेक्टर्स का ओपनिंग सीन ही देखो तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता चल जाता है कि दे आर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। जहां रामचरण का कैरेक्टर काफी फोकस है, अनस्टॉपेबल है, उसकी फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी है, और जहाँ समय के साथ हमें पता चलता है कि वह अपने गांव से सालों से दूर है और एक मिशन पर है, और यहाँ तक कि लास्ट तक हमें यह भी पता चल जाता है कि वह एक बहुत ही उत्कृष्ट निशानेबाज है जो कि सीधे तौर पे लॉर्ड राम के क्वालिटीज से उसको जोड़ता है, चाहे वो स्किल्स की बात हो या फिर राम के 14 वर्ष के वनवास की बात हो। भीम को भी हम ओपनिंग सीन में ही देखते हैं कि वह बॉडी से काफी मस्कुलर है और दिल से बहुत ही कोमल इंसान है, बिल्कुल पांडव पुत्र भीम की तरह। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजामौली के अल्टरनेट हिस्ट्री में सिर्फ अलूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम ही नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड राम और पांडव पुत्र भीम, जो कि वास्तव में एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते हैं, वह भी इस अल्टरनेट हिस्ट्री में एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों मिलकर एक साथ किसी खास मिशन को अंजाम देते हैं। And that is totally mind blowing. अब अगर तुम भीम को देखो तो तुम उनके कैरेक्टर को हनुमान से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि हनुमान इज ऑल्सो मस्कुलर एंड काइंड हार्टेड। देन अगर तुम रामायण को जानते हो तो तुमको ये तो पता ही होगा कि हनुमान राम का संदेशा लेकर सीता के पास लंका जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राजामौली के मूवी में इस चीज को रिवर्स कर दिया गया है। हमें इसमें ये देखने को मिलता है कि हनुमान सीता का संदेश लेकर राम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, एंड दैट रेफरेंस इज व्हाट आई लाइक इट, आई लव इट एंड आई टोटली एम्ब्रेस इट। और गुरु अगर तुम सिमिलैरिटीज ढूंढने लगोगे तो पता ना कितनी ही सिमिलैरिटीज रामायण और आरआर की कहानी में मिलेगी। जैसे कि रामायण की कहानी सीता की किडनैपिंग से चालू होती है, वैसे ही आरआर की कहानी मल्ली के किडनैपिंग से चालू होती है। हनुमान सीता से मिलने के लिए लंका में जाते हैं, तो वहीं हम यहाँ देखते हैं कि भी मल्ली से मिलने के लिए उस रॉयल मैंसन में जाता है। हनुमान लंका में आग लगा देते हैं, तो वहीं भीम भी कुछ ऐसा ही करता है। और पता नहीं इस मूवी और रामायण के बीच तुम और कितनी सिमिलैरिटीज खोज सकते हो। खैर मुझे तो इतनी ही मिली है, और अगर तुम्हें और मिलती है तो मुझे बताओ यार। अब गुरु मूवी हमेशा ही अपने एक्सट्रीम टोन पर चलती नजर आती है। जैसे कि अगर वो दोस्त बनते हैं तो वह दुनिया के सबसे ही अच्छे दोस्त बनते हैं, लाइक उनकी दोस्ती जैसा दुनिया में कोई दोस्ती है ही नहीं।
वैसे ही अगर मूवी में आप डांस स्टेप्स को देखें तो सारे डांस हमें बिना कट के दिखाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनके डांस का स्तर इस तरह बढ़ जाता है कि धरती तक कांपने लगती है। यहाँ तक कि मूवी वुमन वायलेंस को भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक दिखाती है। कम से कम मैंने तो अपने जिंदगी में अभी तक इंडियन मूवीज में ऐसे सीन्स नहीं देखे हैं। अगर तुमने देखे हैं तो बिल्कुल मुझे बताओ, मुझे भी देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली बात करना चाहूंगा कोमरम भीमडो गाने के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि राम सालों से लगा है क्योंकि उसको हथियारों से क्रांति लेकर आनी है, लेकिन भीम का एक गाया हुआ गाना लोगों को ही हथियार बना देता है। मगर इस सीन का मतलब क्या है? गुरु, एक शब्द में बोलूं तो आर्ट इज अ मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन अर्थ। कला को कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। जैसे भीम कला का इस्तेमाल लोगों में जोश भरने के लिए करता है और यह देखकर राम की आंखें खुलती हैं, क्योंकि वह सालों से जो करना चाहता था वह भीम के एक गाने ने कर दिखाया था। अब गुरु, अगर इसको एकदम नॉर्मल टर्म में बोला जाए तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर। अब अगर इस फिल्मों के सॉफ्ट पावर को देखना है तो तुम हॉलीवुड के सारे फिल्मों को ही देख लो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया जब भी खतरे में पड़ेगी अमेरिका ही बचाने आएगा। या यूं कहें तो हॉलीवुड को अमेरिका ने बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है ताकि वह अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज दुनिया को दिखा सके। बट एक्चुअल वैसा है नहीं। लेकिन हाँ, हमें हॉलीवुड मूवीज से अमेरिका ने हर बात यह बात बताने की कोशिश की है कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। तो गुरु, यही थी मेरी कुछ ओपिनियन इस मूवी के बारे में। और हाँ, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो बताओ यार मुझे भी। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।